नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रणबांकुरे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। देश के दुश्मन देशों को पानी के रास्ते अब भारत की ओर रुख करना भारी पड़ जाएगा। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आज 17A स्टील्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया जाएगा। दरअसल नौसेना की ताकत को और मजबूती देने के लिए GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित रडार की पहुंच से बच सकने वाले पहले युद्धपोत को लॉन्च किया जा रहा है। इस मौके पर CDS जनरल बिपिन रावत मुख्य अतिथि होंगे। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत हुगली नदी के किनारे स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डिंग्स एंड इंजीनियर्स पर इसका जलावतरण करेंगे। नौसेना के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि परियोजना 17A के तहत GRSE के कई खूबियों से लैस ऐसे 3 नौसेना पोत का निर्माण कर रही है। पहले पोत के जलावतरण के बाद ये कई परीक्षणों के दौर से गुजरेगा। इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद इसे नौसेना को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी को परियोजना 17A के तहत 3 युद्धपोत निर्माण का ठेका मिला है, जिनकी कीमत 19,294 करोड़ रुपये है। पहला युद्धपोत 2023 में जबकि दूसरा और तीसरा 2024 और 25 में नौसेना को मिलने की उम्मीद है। इस युद्धपोत की खासियत ये है कि इसे दुश्मन की रडार भी ट्रैक नहीं कर सकेगी। ये अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होंगे। इसकी लंबाई 149 मीटर और क्षमता करीब 6670 टन अनुमानित की जा रही है। इसकी रफ्तार 28 समुद्री मील प्रति घंटा होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।